हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 5 क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अभी यहां पर टेबल कैसा है, डायरेक्टली आपको कंप्लीट करके नहीं डायरेक्टली आंसर लिख देना है। यहां पर कैसा है, आपको हर एक टेबल को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके आप आंसर लिखोगे, तो फिर आपका पूरा का पूरा स्कूल में जो क्वेश्चन रहेगा उसका फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे कैसा टेबल ड्रॉ करके दिया हुआ है, यहाँ से है कि नहीं, 1 2 3 4 5 कॉलम है और 1 2 3 4 5 रो भी है। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को आपको यहाँ से लेना है जो लेफ्ट साइड में दिया है, और फिर उसको आपके बाद जो कॉलम में नंबर्स दिए हैं उसको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, -2 और साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस ले लो, +8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 एंड +8 कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 6। आया समझ में। उसी तरह सेम नेक्स्ट के लिए, -2 +4 कितना आ जाएगा, अभी -2 है +4 है। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने, कि जैसे यहाँ पे -2 और यहाँ पे +4 है, तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग, +4 का ग्रेटर साइन है तो प्लस आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 2। आ रहा समझ में, आपको इस तरह से सॉल्व करना है इसको। उसके बाद दिया हुआ है -2 प्लस, थर्ड ऑप्शन क्या है, प्लस तो करना ही है लेकिन माइनस भी है ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दो साइन एक साथ में नहीं लिख सकते हम लोग, जैसे अगर यहाँ पे प्लस और माइनस लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दो सेम साइन को हम लोग लिख सकते एक साथ में नहीं लिख सकते। यहाँ पे कैसा, हमें जो सेकेंड साइन रहेगा उसको हमें ब्रैकेट में दिखाना है। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे -2, अभी मैंने बताया था ना आपको कि प्लस और माइनस रहेंगे, अगर अपोजिट साइन है तो जो नेक्स्ट साइन रहेगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -3। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सेम साइन आ जाएगा माइनस का, और नंबर ऐड जाएंगे तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -5। समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद है थर्ड, फोर्थ, -2 प्लस है ना, -2 ले लिए प्लस, अभी इस ये वाला कॉलम्स के नंबर्स ले रहे हैं ब्रैकेट में 5, क्योंकि सेम यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है तो वहां पे एक और साइन हम लोग नहीं ले सकते, तो सेकेंड साइन यूज करना है तो आपको ब्रैकेट लेना रहेगा। -2, अभी यहाँ पे प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 एंड 2 एंड 5 कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का एक। उसी तरह अभी हम लोग सेकेंड का देखेंगे, सेकेंड में क्या दिया है, फर्स्ट डिजिट 6 है, 6 प्लस है कि नहीं, +8 ये कितना आ जाएगा, 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमें यहाँ पर, 14। अभी कैसे है, यहाँ पे हम लोग कॉलम में सभी स्टेप तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसके लिए हम लोग अलग से वर्किंग नोट में सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप पेंसिल से उसमें सॉल्व कर लोगे ताकि आपको दिखे वहां से। तो उसके बाद सेम सेकेंड 6 प्लस, उसके बाद सेकेंड नंबर कौन सा है, 4, तो 6 एंड 4 कितना आ जाएगा, 10। तो यहां पर आ जाएगा हमारा आंसर 10। समझ में आ रहा है। उसके बाद है 6 प्लस, यहां से और थर्ड नंबर क्या है, -3 ले लो 6। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, तो प्लस और माइनस क्या आएगा, -3, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3। उसी तरह अगेन 6 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन दिया है कॉर्नर पे, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो -5, तो 6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। सबसे ज्यादा साइन किसका है, प्लस का है, इसके लिए यहाँ पे +1 आ जाएगा। थर्ड यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लो, यहाँ से सिर्फ लिख
समझने के लिए कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अभी फोर्थ में क्या दिया, थर्ड में क्या दिया, 0 + 8, 0 + 8 तो क्या आ जाएगा 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, है कि नहीं। उसके बाद 0 + 4, 0 + 4 ये क्या आ जाएगा 4, तो सेकेंड कॉलम में और रो के बीच में क्या आ जाएगा आंसर 4। फिर 0 + 0 + ब्रैकेट में क्या दिया है -3, क्योंकि सेम साइन है, अलग यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है ना, तो दोनों साइन को साथ में नहीं ले सकते हम लोग को, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो 0 + - क्या आ जाएगा -3, अभी साइन किसका ज़्यादा है -3 का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3। उसके बाद दिया हुआ है हमें सेम वैसे ही 0 + ब्रैकेट में ले लेंगे -5, 0 + - क्या आ जाएगा -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। आ रहा समझ में कैसे आंसर लेकर आ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, एकदम सिंपल तरीका। उसके बाद है फोर्थ, फोर्थ में क्या दिया है, फर्स्ट -4 प्लस और कॉलम का नंबर कितना है 8, तो अभी 8 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 8 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, सबसे ज्यादा साइन किसका है प्लस का, तो आंसर किसमें आ जाएगा +4। सेकेंड क्या दिया है सेम -4 + 4, अब यहाँ पे कैसा अपोजिट साइन आ गया ना, तो -4 - 4 and +4, तो उसमें क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0। उसके बाद हमें दिया है -4 + -4 तो है ये प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में कौन सा साइन ले लेंगे -3 - 4, अभी प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस ये 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे 4, 3, 7 और दोनों का सेम साइन है तो -7, है कि नहीं। जैसे हम लोग प्लस प्लस में सेम साइन ले लेते हैं ना, उसी तरह माइनस में भी नंबर्स को ऐड कर देंगे और सेम साइन ले लेंगे। फिर उसके बाद दिया है -4 ब्रैकेट में -5 है ना, यहाँ पे -4 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और ये 5, माइनस माइनस क्या आ जाता है नंबर्स ऐड हो जाते हैं तो 4 + 5 = 9 और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -9, है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। इसको चाहो तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, एक एक स्टेप में है, तो आप कैसा पेंसिल से देख के अपने नोटबुक में सॉल्व कर लोगे पेन से, जितने भी कॉलम्स रो है वो सभी जो लाइंस है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी रहेंगी, और जो अंदर का जो आपका सॉल्यूशन पार्ट रहेगा वो हमेशा आपको पेन से ही लिखना है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज कर सकते हो आप। ये कैसे हम लोग ने पूरा डिटेल में इसके लिए सॉल्व किया है, ताकि जैसे टेबल में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में हो सके, कि थोड़ा जिससे स्पेस कम पड़े तो कन्फ्यूजन हो, इसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर देखो नंबर्स लिख दिए है 1, 2, 3, 4, तो ये फर्स्ट का है, फर्स्ट का -2 + 8 तो कितना आ जाएगा 6, फिर उसी में -2 + 4, तो आपको नंबर्स को कैसे लेना है वो देखो यहाँ पे -2 + 4, फिर उसके बाद -2 + -3 ब्रैकेट में -2 + -5, समझ में। ये तो हो गया नॉर्मली, अगर इसमें से अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन का डिफरेंट वे से मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा, तो शायद है कि उसमें डेफिनेटली आपको समझ में आए। अगर ये नहीं समझ में आएगा मेथड तो आप मुझे बताना, तो मैं उसका जो सेकेंड है उसमें मेथड से भी सॉल्व करा के दे देंगे। थैंक यू।